यस कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन और इसके अंदर बी पार्ट हम कर रहे हैं 0.3 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर टू गिव 500 ml सॉल्यूशन. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का मास 40 गिवन होना चाहिए, ओ 16, हाइड्रोजन यहां पे 1, पर ये पूरे दो बार क्योंकि ओ एच क्या है, दो बार, तो यहां पे आ गया हमारे पास टोटल मास 74 ग्राम पर मोल. ये तो मोलर मास हो गया. अब मोल्स निकालते हैं, मोल्स इज गिवन मास, मोल्स सॉरी, मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास. तो गिवन मास कितना है 0.3 और मोलर मास कितना है 74, दैट इज 3/740. यहां तक क्लियर है? ठीक है, फिर हम निकालते हैं मोलैरिटी. मोलैरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम. मोल्स कितने हैं 3/740 और वॉल्यूम इन लीटर होनी चाहिए 500 ml/1000. तो दिस विल बिकम 3000/500 × 740. ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, पॉइंट 0.008. ठीक है, मोल पर लीटर. एट के नीचे अगर वन आ रहा है तो हम उसे कर सकते हैं, अगर वो फाइव से ऊपर होता तो उसे कुछ और बनाते या वही लेते, फाइव वालों को तो 8.5 लेते या ऐसे कुछ करते. ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास 0.008 आ गया ही. अब हम रिएक्शन लिखेंगे. रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम 2+ + 2OH-, है ना. तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है 0.8 × 10⁻¹, यानी कि 0.008. इनिशियली ये कितना होगा 0.00, पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूटने की हम डिसोसिएशन मान रहे हैं, अदरवाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होता. अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन नहीं है तो हम मान रहे हैं कि ये पूरा टूटने वाला है इस केस में. ठीक है, अगर वो पूरा टूटने वाला है तो यहाँ पे आएगा 0, ये बनेगा 0.008 और ये बनेगा 0.0016, बिकॉज 2 × 0.008. क्योंकि एक बार ये टूटता है तो ये दो बार बनता है, ये इसके मोल्स बता रहे हैं. तो इससे कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस मेरे पास आ जाती है और वो आ जाती है कितनी, 0.0016 मोल पर लीटर. यहां तक क्लियर है? अब मेरे को पी एच निकालना है, पर पी एच निकालना मुश्किल है, पर पी ओ एच निकालना आसान है. हाँ, 0.0016 क्यों, 8 का डबल 16 तो एक पॉइंट आगे आएगा ना. 8 का डबल क्या होता है 16, तो एक डिजिट इधर आ जाता ना, नहीं वो छोटा हो जाएगा उससे. 0.0016 इज लेस देन पॉइंट. ठीक है, अच्छा पी ओ एच इज, अच्छा पी ओ एच क्या हो गया, पी ओ एच विल बी माइनस लॉग ऑफ 0.16, यानी पी ओ एच इज माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ 16 × 10⁻³. अगर मैं इसे 16 बना दूं तो 10⁻³ हो जाएगा. ठीक है, और लॉग ये माइनस और यहाँ पे 16. अरे लॉग ए इंटू लॉग बी इज लॉग 16 और यहाँ पे होता log x to the power y is y log x, तो यहाँ था -3, यहाँ पे क्या था, इसको ओपन करते तो ये हो गया 3 - उदयन बिल्कुल चुप log 16, तो 3 - log 2⁴, 3 - 4 log 2, क्योंकि 16 को मैं 2 की पावर में बना सकता हूँ और 2 की पावर बना के मैंने फॉर्मूला लगाया लॉग एक्स टू पावर वाई इज वाई लॉग एक्स. लॉग 2 मुझे याद था, अदरवाइज कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो कहीं पे भी कुछ तो वो अप्लाई हो जाता 4 × 0.3010, तो दैट इज 1.2. 3 - 1.2 इज 1.8. तो पी ओ एच कम्स आउट टू बी 1.8.
ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पीएच प्लस पीओएच इज 14, पीएच इज 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 1.8 इज 12.2, ठीक है। नेक्स्ट दो पार्ट होमवर्क में हो जाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन होगा सर।